असलम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्राम द्राम दी सेट ऑफ राइज एंड शाइन विद बहरिया एंड आई एम श्योर आप लोगों की सबकी सुबह बहुत ही खुशगवार तरीके से शुरू हुई होगी उसको मजीद खुशगवार बनाने मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ एच ओ डी लॉ यहाँ मौजूद हैं जो कि मिस्टर अब्दुलरऊफ ख़ताना साहब असल सर कैसे थैंक यू अच्छा आप का डिपार्टमेंट जो है वो 2010 से स्टार्ट हुआ राइट right? तो व्हाट डू यू थिंक अब तक आ, किस लेवल पे आप इसको ला सकते थे और उसको अचीव कर चुके हैं थैंक यू राइटली जिस तरह आपने कहा कि हम सितंबर दो दस आई थिंक दैट वाज द डेट एंड फॉल 2010 वाज द सेमेस्टर वी स्टार्टेड ऑफ अवर लॉ डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद इनफेक्ट uh, उस वक्त जब हमने ज्वाइन किया था तो हम तीन लोग थे प्रोफेसर अहमद अली मैडम मलिका माई uh, सेल्फ अब्दरूफ uh, तो उसके बाद जो प्लान्स थे ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो यही था कि हम इस्लामाबाद में एटलीस्ट एक एक्सीलेंट सेंटर uh, ऑफ एक्सीस इन लीगल एजुकेशन हम बना पाएँ और जो क्वालिटी है लीगल एजुकेशन की उसको हम इंश्योर कर पाएँ और इस वक्त जो प्रीवेलिंग लीगल एजुकेशन थी इस्लामाबाद में एक तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी और इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो ऑफ़र कर रहे थे तो ये एक गैप था कि अच्छे रिकगनाइज एच ई सी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो है ना एक प्रॉपर जो है वो लीगल स्टडीज़ जो है वो ऑफर की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब स्टार्ट किया तो जो हमने फ्यू मंथ्स जो है जो हमारी जिस तरीके से स्टूडेंट्स की इंटेक आना शुरू हुई और वी बिकेम पॉपुलर लॉ डिपार्टमेंट हमारा जो है और डिपार्टमेंट की जो इंटेक स्टूडेंट्स की प्लस इसके बाहर जिस तरह मार्केट uh, में जो है वो लोगों को इसका जो रिस्पांस जिस तरह हम ले रहे थे तो विद इन थ्री इयर्स इट वाज फुल फ्लैच डिपार्टमेंट और uh, अगर हम करेंटली अगर आप मुझसे पूछें तो लास्ट जो इनटेक हमने ली है तो यू वुड यू वॉन्ट बिलीव कि टेन स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर वन सीट सो मतलब हम अब नौ स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और एक स्टूडेंट को हम सीट दे रहे हैं तो उस एतबार से ये दिस, दिस इट सेल्फ स्पीक्स इट सेल्फ़ के ये एक स्टैंडर्ड है हमारे पास हमारे no बार लॉ डिपार्टमेंट का और आ, बाकी आ, हमने जो है एच सी को भी हमने हायर एजुकेशन कमीशन को पाकिस्तान बार कौंसिल को आ, उनकी जो एक्रीडेशन एफिलिये जो रिक्वायर्ड थी वो हमने फुली उनके स्टैंडर्ड्स को हमने फुली कम्प्लाई किया उनकी तरफ से भी हमेशा जो है वो अप्रिसन रही है अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि लाइक टू से पहले आप आपने भैया टू में ज्वाइन की तो उससे पहले आप एडवोकेट uh, रह चुके हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जी मैं व्हेन आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2006 फॉर फॉर अ ईयर आई जॉइंड द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एज अ रिसर्चर एंड आफ्टर वन ईयर वर्क विद द चेयरमैन डॉक्टर खालिद मसूद ही वाज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एट दैट टाइम So uh, for one year I I uh, worked with them as a researcher and then uh, for uh, for a year or so I think with the uh, Justice Mohsen Akhter Kiani he is now Justice Islamabad High Court so I have the privilege I worked with him as an associate uh, for a year I practiced in Islamabad my my area of interest was. Uh, uh, mostly the family laws, uh, the family related issues and the civil practice. Uh, but late, lately I I won the scholarship uh, uh, announced by the Higher Education Commission of Pakistan. For London, for, right? For my higher studies in law. Then I pursued my LLM from uh, School of Oriental and African Studies, University of London. So, li, right? after my practice I went to London for my LLM. and then uh, after completing my LLM I came back and uh, in the same year same month I think I joined Gharia University Islamabad अच्छा uh, let's take it light मुझे बताएं कि during whole of your career कभी कोई बहुत worst case आपको deal करना पड़ा हो case जो uh, मेरी approach होती yeah, थी like obviously आप पढ़ाते भी नहीं हैं तो all over this. Uh, जो मेरी पर्सनल हिस्ट्री जो पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैं समझता हूँ कि जो एक वर्स केस था वो यही था कि एक खातून ने मुझे अप्रोच किया इन इस्लामा हाई कोर्ट में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे तो उनको घर से शी वाज मैरिड और उनके हस्बैंड की तरफ से उनको थ्रेट्स थी कि उनको मार दिया जाएगा शी हैड किड्स एज वेल और वो अपने छोटे बच्चे के साथ जो है वो उस वक्त आई थी इस्लाम आबाद में कि उनको जो है वो थ्रेट्स हैं और उनको जान का ख़तरा है उनको मारना चाहते हैं और घर से भी जो उनकी अपनी जो आ, फैमिली है उनकी मदर उनके जो फादर हैं जो ब्रदर्स हैं उनकी तरफ़ से भी कोई प्रोटेक्शन यानी कोई फैमिली में प्रोटेक्शन नहीं थी तो वो विद सीरियस थ्रेट्स टू तो हर लाइफ जी ये मी और मैंने फिर उनका केस परसू किया और फिर उनको आ, उस वक्त जो इस्लामाबाद में यहाँ पे स्वीट होम्स हैं एक, एक दारान की तरह का एक इंस्टीट्यूशन है तो फर्स्टली मैंने उनको वहाँ पे उनको रजिस्टर करवाया वहाँ पे उनको एडमिट किया फिर मैंने उनका एक केस परसू किया और उनके खुला का तो मेरी जो थोड़ी बहुत जो मैंने जो प्रैक्टिस की तो कि आज आई टोल्ड यू कि मैंने फॉर एट मंथ्स आर आई ईयर मेरी प्रैक्टिस थी तो ये एक केस था और इसके अलावा एक जो है वन जेंटल मैन अप्रोच मी किसी के रेफरेंस से वो आया था तो वो कोर्ट मैरिज के लिए उसकी खाहश थी कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूँ लेकिन मैं उसको आउट ऑफ द वे मैंने उसे बाहर जाकर बात करते हैं मैंने उसे कहा ठीक है कोर्ट मैरिज परमिजबल है लॉ में लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस इसकी नहीं है और फिर बाद में Uh, जो है ना वो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो आप के लिए फेस करना मुश्किल होंगे तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि ये तुम अभी थोड़ा सा सोचो और रिव्यू करो और ना आओ तो दो के मेरे जो टीचर थे जस्टिस कैनी उन्होंने मुझे कहा कि रोफ जो आर द स्टफ फॉर प्रैक्टिस हमारे पास केस आया और तुमने डिनाई कर दिया बट मैंने कहा सर ये मुझे जो उसकी मॉरल साइड लगती है कि उसके लिए बाद में खातून के लिए तो जो प्रॉब्लम्स होंगे हो आप मतलब उनको मॉरली भी समझा रहे हैं यस तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि आई स्विच्ड इनटू एकेडमिक्स अदरवाइज मैं प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाया तो व्हाट व्हाट मेड यू कम दिस फील्ड आप लाइक वाज योर चाइल्डहुड Uh, from the childhood uh, my parents wanted me to become a scientist and my elder brother uh, he was ambitious he wanted to see me as an engineer uh, but uh, <laughs> unfortunately main, I, when I was exposed to social sciences uh, during my intermediate so i decided that yeah, I i have to switch to social sciences and i cannot become a scientist <laughs> in the given environment or school but at देट वॉज अ पॉइंट ऑफ रियल टेंशन फॉर मी मैं बिल्कुल एगरी नहीं करा था और उनकी बिल्कुल एक शदीद ख्वाहिश थी फादर की भी और उनकी भी कि मैंने इंजीनियर बनना है एंड सो फार सो के जब मैंने मुझे उन्होंने कहा कि टेक टू ईयर्स एंड यू मस्ट परसू यूर बैचलर्स एंड दैन यू मे डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू डू सो फार यू आर नाट मे चोर एनफ सो आई दैन आई ई बैचलर्स आई डिड माई बी एस सी आईटेड इन टू बाजस्टुए माई पर्सनल डिसीजन लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या तो मैं जब अपना मुझे उन्होंने कहा कि मेच्योर होने के लिए तुम थोड़ा सा बैचलर्स कर लो फिर उसके बाद तुम जो भी करना चाहो तो मैं परमिशन होगी लेकिन इस स्टेज पर तुम इतने मेच्योर नहीं हो to it. It <laughs> so, to become to be mature मैंने अपना बैचलर्सू किया मेरी उसमें विदाउट माई इंटरेस्ट बट आई ट क्वालिफाइड और उसके बाद उन्होंने मुझे एम एस सी एलेक्ट्रॉनिक्स में पेशावर यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हो गया और उन्होंने कहा कि ना इज ये यू विल टेक अ वाइज डिसीजन और वो मच्योर भी हो गया है और वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगा बट वहाँ पर मेरा पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन था एम एस सी इलेक्ट्रॉनिक्स में बट मैंने अपना लॉ में एडमिशन उनको बताया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ले लिया था और यहाँ भी एक कम्पटिशन के बाद एडमिशन होता था तो मुझे यहाँ से जब कॉल गई तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं अब जो है लॉ करूँगा तो एटलीस्ट फॉर टू ईयर इनिशियल टू ईयर्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी के इट वॉज़ वेरी टू कन्विंस दैम के मैं लॉ पढ़ना चाह रहा हूँ अपनी इंटरेस्ट से और मैं इसमें कुछ बेहतर करके दिख रहा यहाँ से हुआ विद डिस्टिंगशन मेरी जस्ट फ्यू मार्क्स हैदरवाइज मेडलिस्ट तो देट वॉज अ टाइम एन दे रियलाइज की स्कॉलरशिप फ्राम एच ई सी फ़ार माई हायर स्टडीज़ दैट वॉज अ टाइम माई फ़ादर रियली यी वॉज़ हैप्पी मैं उनकी आँखों में जो मैंने खुशी देखी और देवर uh, हैप्पी के जी ही हैज़ प्रूवड कि वो ला कर सकता exactly. है और उसके बाद भी मेरी जब मतलब, अचीवमेंट्स थी आफ्टर माई एल एल एम फिर मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में जब आया तो मतलब दे आर आल्पी विद मी बट देट वॉज द रियल टाइम आई कन्स नो आई आई कैंट परसू योर विश आई वॉज द यंगेस्ट एट होम थोड़ी सी मुझे लिबर्टी भी थी स्टडीज uh, में अच्छे थे या यू जो चीज़ लीगल स्टडीज़ में मुझे वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मेरा एक, uh, एक किसी हद तक स्पार्क या uh, मुझे इस तरफ आने में जो मेरे लिए हेल्पफुल था आई वॉज अ गुड डिबेटर मैं स्कूल में भी डिबेट करता था आई थिंक जो मेरी मुझे फ़र्स्ट डिबेट मेरी याद है येस yes, so वो ये थी कि जब आई थिंक आई वाज इन क्लास वन जब वो अगस्त पे स्कूल में गैदरिंग थी तो मेरे टीचर ने मुझे मतलब बगैर किसी प्रपेशन के मुझे कहा कि रोफ कम एंड से समथिंग तो मैंने मतलब कायद के ऊपर मतलब कायद के उस पर मैंने जो मुझे चीज़ें याद थी तो वो मैंने किया फिर उसके बाद मैंने थ्रू आउट स्कूल में कॉलेज में मतलब डिबेट्स मैंने जीती मतलब ज़्यादा मेरी अच्छी पोजिशन भी आई तो इससे काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि मेरा लीगल स्टडीज़ की तरफ था अच्छा यू विल बी मैरिड राइट I I am married. I have two two kids. All तो आपकी लाइक पर्सनल लाइफ पे डू यू थिंक कि आपके कैरियर को कोई इम्पैक्ट है Uh, कोई घर में कोई मतलब इश्यूज इस मसले से तो नहीं होता कि के, मतलब केसेस डील कर करके आप घर में भी uh, uh, yes, केस ये, it, ये बाहर थोड़ा सा ये फील like like, uh, तो uh, है हाँ. uh, होता है बट जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस इट अ प्रोफेशन लाइक जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या जो एकेडमिक्स हैं तो किसी के भी उसकीिटी पर बहुत इम्पैक्ट होता है तो लाइक uh, like, आप पर्सनली क्या समझते हैं कि आप पे कितना इम्पैक्ट हुआ है पर्सनली मैं तो समझता हूँ अगर मैं, मैं शायद कहीं और किसी फील्ड में होता तो मैं सैटिसफाई ना होता मेरा जो रियल जो पोटेंशियल था uh, जिसकी वजह से मैं कुछ वाकई कंट्रीब्यूट कर सका कुछ डिलीवर कर सका तो वो सिर्फ यही लीगल स्टडीज़ में था एडिशनली मेरा इंटरेस्ट फिलासफी in में भी था uh, वो भी जब मैंने बैचलर्स के दौरान अपना मैंने परसू किया ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ कभी ऐसा हुआ है कि uh, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे केसेस देखे आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वन दे सी कि हाँ ये तो हमसे आगे निकल रहा है तो वो थोड़ा जल्दी में आपको डिसक्रेज करते हैं कि नहीं ये नहीं करो या वो कुछ प्लान करते हैं तो ऐसा कभी कुछ फेस करने को मिला uh, मेरी थिंकिंग चूँकि मैं डिसाइसिव था uh... इवन जब मैं फैमिली से एक चीज़ के लिए लड़ रहा था कि मैंने ये करना है मुझे घर से इतनी वो नहीं थी परमिशन ग्रीन सिग्नल नहीं था तो ज़ाहिर हमेशा से ये हो रहा मेरा लेकिन आ, आई वाज क्वाइट डिसाइसिव और बहुत सी चीज़ें जो मैं इतनी बड़ी तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी खैर मे बी उस एज में मुझे इतनी क्लैरिटी ना हो लेकिन मेरे डिसीजनज़ जो थे वो मैं उस पर बड़ा डिटर्मिनट था और हमेशा मैंने जो चीज़ डिसाइड कर लेता था फिर मैं वही कर उसको मतलब मैं प्रसू करता रहा कोलीग्स में हमेशा आजाद एक कम्पटिशन वो रहता है जब मैं हम लॉ में भी जब मैं स्टडीज़ कर रहा था मास्टर्स में भी मैं था तो वो एक कम्पटिशन uh, था uh, जब मैंने एकेडमिक्स जॉइन किया तो मेरे कुछ दोस्त जो प्रैक्टिस में अभी इस्टेबलिश्ड हैं आ, कुछ सिविल जजेस भी हैं कुछ इस तरह मतलब अपनी इस एकेडमिक uh, से हट के जो हमारी लीगल प्रोफेशन की जो जहाँ पे वो उसके जो स्कोप है उसमें वो दे आर डूइंग वेल तो इन इनकी में होता था कि यार रूफ एकेडमिक्स uh, में नहीं जाना चाहिए एकेडमिक्स इज़ लेस पेड वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है ये है वो है बट uh, मैं कभी इससे कभी मुझे मेरे ऊपर इसका कभी इम्पैक्ट नहीं, नहीं आया हाँ व्हाट डू यू पर्सनली थिंक आपके अभी पर्सनल गोल्स क्या आप आगे फर्दर आफ्टर बीइंग एन आप क्या करना uh, चाहते हैं फर्स्टली uh, मैं तो ये चाह रहा था कि जो हमारा शो में एम था और उसको हमने काफ़ी हद तक uh, जो है वो परसू भी कर लिया कि वी मस्ट डेवलप एंड मस्ट इस्टेब्लिश अवर लॉ डिपार्टमेंट एज एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लीगल एजुकेशन शुड भी रिकोगनाइज नॉट ओनली इन लॉ बट इंटरनेशनली तो यही एम है जिसके साथ अभी मैं चल रहा हूँ और uh, जो हमारी टीम है फैकल्टी स्टूडेंट्स और बाकी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है तो मेन एम हमारा यही है और इस पर सब हम क्लियर हैं कि हमने यो, जो है वो आगे कैसे जाना है तो इसमें हम अभी डिपार्टमेंट हमारा इस्टेबलिश्ड है आ, हमारा एल प्रोग्राम है इसके बाद हमारा एल प्रोग्राम है पी के लिए वी आर परसूंग तो जब ये हमारा तमाम जो प्रोग्राम्स जो हम मतलब अंडर ग्रेड ग्रेड और पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम जब एक दफ़ा हम स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हम इसमें फ़र्दर हम क्वालिटी को इंश्योर करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हम इंश्योर करेंगे और एम यही है कि हमारे डिपार्टमेंट का एम यही है कि हम वी हैव टू स्ट्राइव फॉर दी civil uh, rights and civil liberties in pakistan and through this we can contribute to our society as well so let's talk about what is moot society uh, what you have built in recently in your department well we uh, moot in fact uh, is a kind of uh, competition it's a kind of competition among the law students uh, or basically a debate, yes basically you can you have rightly said uh, it's debate but it's not like other debates like uh, if this uh, आपकी एक डिबेट कम्पटिशन होते हैं तो फॉर एंड अगेंस्ट एक टॉपिक पर जो है वो स्पीचेज होती हैं तो मूड इज़ लाइक इज़ अ मोक ट्रायल जो एक ट्रायल होता है कोर्ट में होता है ट्रायल मीन्स कि जब आपने आपका कोई राइट किसी ने वायलेट किया तो हाउ यू कैन रीड्रेस दैट राइट दाइट हैज़ बीन इन तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिसे जिस आपका लेट्स से कि आपकी अगर एक uh, कोई चीज़ चोरी हो गई है तो आपका राइट right टू प्रॉपर्टी किसी ने जो है वो वायलेट किया आप इसको परसू करेंगी आप इसके लिए एक क्रिमिनल केस जो है वो इनिशिएट करेंगी पुलिस उसको रिकवर करेगी तो ये पुलिस उसको रिकवर करेगी प्लस जिसने ये रॉन्ग कमिट किया उसको जो है वो अरेस्ट करेगी फिर उसको कोर्ट में पेश करेगी फिर जुडिशरी के सामने अपने एविडेंसेस रखेगी कि ये 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 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद में हम समझ रहे हैं कि ये इज़ गिल्टी तो अगर ये प्रूव होता है तो फिर उसको काटने के लिए सज़ा मिलती है और आपको जो डैमेजेस या जो रिकवरी जो आपका प्रॉपर्टी की शक्ल में या डैमेजेस की शक्ल में वो आपको जो है वो मिल जाता है चलो यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। बी राइट बैक। वेलकम बैक uh, बहुत इंटरेस्टिंग गपशप चल रही थी लेट्स कंटिन्यू दैट आप मुझे ये बताएँ कि वट आर योर हॉबीज़ अदर देन बींग हम बहुत बात कर चुके लॉ पे और डिपार्टमेंट के हवाले से आप पर्सनल बताएं आपकी पर्सनल हॉबीज क्या हैं हॉबीज हम ना मैं समटाइम्स जो है वो हाइकिंग पे जाता हूँ अह के साथ अपने प्रोफेशनल यू लव एडवेंचर्स अह यस मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का बहुत शौक है और uh, जितना जो अननोन प्लेसेस है कौन, उनको डिस्कवर करने का मुझे अभी तक देखी है uh, इसमें हिस्टोरिकली ये जितने हमारे फोर्ट्स वगैरह हैं इसके अलावा uh, सिंध में पोंजोदड़ो और ये हमारे uh, रोहतास वगैरह इस पे कुछ लिखा आपने अभी तक कि नहीं आ, इतना आपने ट्रेवल किया मुझे खैर लिखना मुझे थोड़ा मेरा जो इसमें इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये है कि ये एक, एक स, कुछ सिविलाईजेशन थी जो पुरानी हमारी तो उन सिविलाईशन की अब जो है वो एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन ये उनके रेलिक्स हैं तो बस मुझे ये अपील करती हैं ये चीज़ें कि मतलब बाहर से थाउजेंड ईयर्स पहले यहाँ पे क्या हो रहा था तो इस तरह की चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं मोस्टली मैं फैमिली के साथ ही जाता हूँ और बच्चों तो को भी ये काम ले आए या नहीं, और, देश आ, देश आ, जनरली इंटरेस्ट रखते हैं मेरे बेटे भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं खैर है वो अभी छोटे हैं हिस्टोरिकली दो बेटे हैं मेरे एक जो है अभी क्लास वन में जाने वाला है और दूसरा अभी स्कूल जाने वाला है अभी स्कूल मार्च से शायद स्कूल शुरू करेगा तो उनको तो ज़्यादा जो प्लेसेस जिस तरह मतलब ये खाने पीने की मैकडोनल्ड और ये वो चीज़ें होती हैं वहाँ भी जाते हैं नार्दर्न एरियाज़ भी हम जाते रहते हैं जो हमारे अच्छी जगह हैं नारान वगैरह यहाँ भी को जाते मैं को लेके जाता रहता हूँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मैं चाहता हूँ कि वो आ, प्लेसेस जहाँ पे मतलब एक तो हमारी हिस्ट्री रही है पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं अदर देन ट्रैवलिंग और क्या इंटरेस्ट और मैं बुक्स पढ़ता हूँ पोइटरी भी पढ़ता हूँ मुझे फ़राज करंटली जो हमारे मॉडर्न एज के जो पोइट्स हैं उन्हें फ्राज को बहुत पसंद करता हूँ क्लासिकली गालिब और इकबाल को भी पढ़ा है तो मैंने खैर उस तरह मैं क्लेम तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ आ, किसी जमाने में मैंने बहुत कुछ लिखा था अपनी कॉलेज लाइफ में तो कुछ थोड़ी बहुत आ, वो गज़लें रोमांटिक आप आप बता रहे थे कि आप अच्छे डिबेटर रह चुके हैं तो वो इसमें हेल्प आउट हाँ डिबेट्स में मैं मैं कोशिश तो करता था मेरी अच्छी अचीवमेंट्स भी हैं कॉलेज लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर मेरी अचीवमेंट्स भी हैं अच्छा तो मूवीज़ देखते हैं इसके अलावा टेलीविजन कितना देखते टी वी में जनरली uh, जो बी बी सी की जो रिपोर्ट्स uh, होती हैं या कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं uh, बाकी मूवीज़ में बहुत सेलेक्टिव आमिर खान की मूवीज़ मुझे पसंद हैं और थ्री एडियट्स में अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि इसको बार बार देखो और uh, मैं खुद उसको समझता हूँ देखने में क्या लगता है आपको इस मूवी में और uh, जो फिलसफी है उतना पिक नहीं सिथिटिक नॉलेज होना चाहिए ना नॉलेज मींस डज नॉट मीन कि यू हैव यू हैव मेमोराइज्ड एंड यू हैव मेंशनड इन द एग्जाम एंड यू गॉट ए ए ए प्लस तो दिस इज नॉट द नॉलेज नॉलेज ये है कि आप यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू कैन रीच टू द सॉल्यूशन एंड देन यू कैन अप्लाई दैट सॉल्यूशन सो नॉलेज जो है वो सिंथेटिक है अप्लाइड है कि अगर आप को फॉर एग्जांपल मैं इफ़ यू अलाउ मी तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ दिस वाज वन ऑफ़ द रीज़न कि मैंने मैंने साइंटिस्ट में क्यों नहीं बना तो मुझे जब मेरे मेरी बड़े भाई जान मुझे कहते थे कि साइंटिस्ट ही बनना है तो मैंने कहा उनको मैंने ये कन्वेंस करने के लिए उस वक्त ये एग्जाम्पल दी थी तो आप कह सकती हैं कि मैं शायद उस टाइम भी डिबेटर या एक लॉजिशन था तो मैंने कहा कि जिस तरह मैं अभी स्कूल में जाता हूँ और मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था तो मुझे जो टीचर साइंस पढ़ाने आते हैं जो फिज़िक्स पढ़ाने आते हैं तो वो हमें मुझे फ़िज़िक्स इस तरह पढ़ाते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं और उसके साथ लिखते हैं एप्पल सेब और उसके बाद ई स्पीक्स फॉर ट्वेंटी फाइव मिनट्स अबाउट एप्पल बहुत से लड़के होते हैं उसको नोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मैं भी लिख रहा होता हूँ समटाइम्स मैं पूरा लिख पाता हूँ समटाइम्स मैं नहीं लिख पाता लेकिन फिर बाद में मैं जाता हूँ जिसने पूरा लिखा हो मैं वो uh, नोट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है जो एग्ज़ाम की एक डेट शीट अनाउंस होती है जी की फिलहाल डेट पर एग्ज़ाम है अब उस एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ मैंने पूरा वो याद भी किया है नोट्स भी लिए हैं मैंने और वहाँ पे वो आ जाता है जी के एपल और एप्पल के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ जी कि मतलब सेब मीठा होता है या खट्टा होता है तो मुझे याद होता है कि सर ने लिखवाया था कि सेब मीठा होता है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार मैं साथ कन्फर्म कर लूँ तो मैं इसी तरीके से मतलब सारी जिंदगी सेब को याद रखूँगा सेब के ज़ाके को याद रखूँगा सेब के ज़ाके को लिखता भी रहूँगा लेकिन सेब की जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे होना है मैं वो कभी भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे नहीं बताया गया कि इसका 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 इम्पेक्ट क्या है प्राक्टिकली और प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया तो अब आ, मैं अगर मुझे ये सेब क्लास में लाया जाए और खिलाया जाए और बताया जाए कि इसमें आयरन होता है इसमें स्वीट आ, मतलब मीठा है तो मुझे जहाँ भी उसकी जरूरत होगी आई विल पिक अप एप्पल अच्छा और मैं उसको यूज़ कर लूँगा इस टेक्निक इस को आप अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स मैं अप्लाई करता हूँ मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी जो मैं खैर अभी तो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं लेकिन मैं जिस तरह के इदारों में मैं मैं अपना इंटरमीडिएट इन साइंस और बैचलर इन साइंस परसू कर रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि ये साइंस पढ़ाने का ये तरीका नहीं है एक्टिविटी बेस्ड हो फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल कुलमज़िला बॉस शायद आपने भी पढ़ा हो तो ये मुझे पता ही नहीं है कि कुलमज़िला को मैंने इस इसकी बेसिस पे मैंने करना क्या इसको मैंने अप्लाई कहाँ करना है तो दूसरी तरफ मुझे सोशल साइंसिस में यह नज़र आता था कि एटलीस्ट वट एवर आई विल स्टडी उसका मेरी लाइफ पर एक इम्पेक्ट है um हाँ उसका मेरी और लॉ का सर्टनली है लॉ के हवाले से तो आ, 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 आप शायद ये जानती हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ No, no. आप आ, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो इस लॉ का पता नहीं था जो लाइबिलिटी आपके ऊपर आनी ही आनी है तो इस हद तक इसका इम्पैक्ट होता है

है कि लाहौर में फाइनल डिसाइड कर लिया इन्होंने तो ये एक You're अच्छी बात है यस yes, ये बहुत अच्छी बात है मतलब कि जो एक एक विजन क्लियर होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट का भी हमारी गवर्नमेंट का भी कि अगर अगर हमने मतलब अपने लोगों का इंटरेस्ट को अगर हमने परसू करना है तो हम किसी मतलब जो इस तरह की जो इंसर्जेंसी uh, हो रही है या कोई हैजरत कहीं पे खड़ी हो रही है तो हमें ये नहीं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स uh, छोड़ दें मतलब exactly. कि हम स्कूलों में जाना छोड़ दें हम प्ले ग्राउंड में जाना छोड़ दें तो ये नहीं होगा लाइक लाइक अ नेशन हिस्ट्री है हम, मतलब तो, हमें ये अगर ये ये देंगे, तो मेरे ख्याल में आवाम में भी एक मेरे दो बड़े भाई और दो बड़ी बहनें हैं तो खेलते सबसे तो ज़्यादा क्या मुझे क्रिकेट का शौक़ था लेकिन ज़्यादा देर जब घर लेट घर आता था, था तो मुझे घर से डांट छांट भी पड़ती थी लेकिन मुझे क्रिकेट से दीवानगी की हद तक शौक़ था मैं खेलने के लिए छुपके भी चला जाता क्रिकेटर था, था? फेवरेट क्रिकेटर पाकिस्तान में तो इंजमाम था पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री में इंजमाम और जावेद में अदाद हैं इंटरनेशनली मुझे वॉश कॉर्डली वॉश जो है वेस्ट इंडीज़ का फास्ट बॉलर था वो एज अ पर्सनैलिटी क्रिकेटर और एज अ स्पोर्ट्स मैन और मुझे बहुत कभी आपने ये नहीं सोचा कि आई शुड फॉलो दिस मतलब मैं आगे प्रोफेशनली इसे कंटिन्यू करूं मैं जब सेकंड uh, ईयर में था तो जो हाउस मास्टर थे हमारे तो रहमान हाउस था हमारे स्कूल का जिसमें गेम्स थी तो उन्होंने मुझे ट्रायल्स के लिए एक दफ़ा बुलाया था तो मैंने कहा था मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने जब वो क्रिकेट uh, uh, अपने ट्रायल्स दे रहा था तो मेरा ख्याल था कि मैं सेलेक्ट हूँ टीम में और मैं खेलूँगा तो एज अ बॉलर मैंने मैं पहली बॉल फेंकी तो वो जो ट्रायल पे जो बैटिंग कर रहा था तो वो बॉल्ट हो गया था तो उससे मुझे लगा कि मैं तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा लेकिन उसके बाद जितनी बॉल्स मैंने फेंकी तो वो सारी नो no बॉल्स थी तो मुझे फिर उन्होंने कहा <laughs> कि, कि नहीं आप तो दैट वॉज द आई थिंक द लास्ट इंसिडेंट कि मैं शायद अगर कहीं आगे जाता क्रिकेट में तो वो इंसिडेंट होता तो वहाँ से फिर मुझे ये इतनी इंक्रेजमेंट नहीं मिली हाँ मैं घर में मतलब पार्क में बच्चों के साथ अपने शौक़ किया तक खेलता हूँ उसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी या किसी और आ, चीज़ मुझे का। इसके अलावा म्यूजिक सुनने का शौक़ है क्लासिकल म्यूज़िक क्लासिकल ज़्यादा किसको सुनते हैं मुझे मेहदी असन और मतलब गज़ल के जो अच्छे गाने वाले हैं लता की आवाज़ भी अच्छी लगती है मेहदी असन है अली है जगजीत सिंह की आवाज़ें अच्छी लगती हैं इनकी जो गज़ल बेसिकली मेरा शगफ पोइट्री से है तो पोइटरी की जब अच्छी कंपोजिशन और अच्छी आवाज़ के साथ हो तो वो सर्टनली तो गालिब की जो गजलें जगजीत ने गई हैं अक्सर मैं सुनता हूँ हसन इज़ वन ऑफ द फेवरेट कुछ पोइट्री में अच्छा याद है तो सुना सकते हैं पोइट्री में आ, सुनाया तो बहुत कुछ जा सकता हूँ लेकिन आ, एक जमीर जाफरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है बल्कि उससे पहले वो भी सुनाता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे आ, मौसन नकवी का एक शेर याद आ रहा है बिल्कुल सब कितने लहजों, कितने लहजों के गिलाफों में छुपाऊँ तुझको कितने लहजों के गिलाफों में छुपाऊँ तुझको शहर वाले मेरा मौजुअ सुखन जानते हैं मुझे शेर सुनाने का अंदाज़ नहीं है मेरा अच्छा <laughs> बो, 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 और ज़मीर का एक शेर है बल्कि इफ्तार आरफ का एक शेर है सारे दिए बुझा गई इकबाद बिहाज

शकील uh, कर दें तो फिर uh, शायरी शायरी नहीं रहती अल्लाह आपने कहा तो मैंने सुना दिया uh, right. अच्छा आप पर्सनली क्या समझते हैं कि एज अ लॉयर एक बेहतर प्रोफेशन है या बींग जज इसमें खैर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कुछ लोगों की कैपेबिलिटीज एज अ लॉयर ज़्यादा प्रॉमिनेंट होती हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं और कुछ सटनली एज अ जजेस Uh, हमारे पाकिस्तान में जो uh, इस वक्त जो uh, जुडिशरी uh, को अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम फोकस करें तो uh, जो इन, uh, इनिशियल जो जुडिशरी में जो करियर जो लोग स्टार्ट करते हैं सिविल जजेस के सूरत में तो वो उसके लिए सिर्फ दो साल की मतलब दो साल की लॉ की प्रैक्टिस आपको चाहिए धन्य यू आर एलिजिबल आप एग्ज़ाम देते हैं और वो uh, हाई कोर्ट्स के अंडर जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत जो है वो जुडिशल अकैडमीज़ में ट्रेनिंग होती है और फिर वो आगे आ, अपने इस, आ, जो है वो प्रोफेशन को कैरियर को जो है वो आ, उनका स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा सेशन जज तक पहुँचते हैं और दूसरी तरफ जो हायर जुडिशरी है हमारी हाई कोर्ट्स में जो जज जज होता है हाई कोर्ट के जज को जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जस्टिस कहते हैं तो हाई कोर्ट्स में आ, एलिवेशन होती है वो अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन नहीं होती यानी कि अमंग द लायर्स जो प्रामीनेंट लायर्स होते हैं उनको आ, उनकी रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो है वो डिस्क्रिशन होती है और वो अपनी रिकमेंडेशंस पर भेजते हैं और जुडिशल कमीशन जो है वो उनको अपॉइंट करता है तो उसमें जो प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं यानी कि जो हाई कोर्ट के एडवोकेट की हैसियत से दस साल तक आठ दस साल तक जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं और उनके जो लैंडमार्क केसेस हैं यानी कुछ केसेस होते हैं जो कि फॉर uh, एग्जांपल एक ऐसी केस ट हुआ जिसमें एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको uh, जिसके वाले से लॉ भी बड़ा क्लियर है और प्रीवियस uh, जजेस के डिसीजंस भी बड़े क्लियर हैं तो उसको डिसाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता लेकिन समटाइम ऐसी प्रोपोजिशन आती है कि जिसमें स्टैचू जो जो आपका लॉ बुक है वो साइलेंट होती है उस पर कोई गैप है उसमें तो कोई प्रॉपर प्रिंसिपल आपको नहीं मिल रहा वो आप अप्लाई करें और पुराने जो प्रीवियस जो जजमेंट्स हैं जिनको प्रेसिडेंट्स कहते हैं वो भी आपको कोई बहुत रेलिमेंट वहाँ पर नहीं मिल रहा होता तो वहाँ पर अगर एक लॉयर जो है वो अपनी एक लीगल एक्मेंट से जज को फैसिलिटेट करता है असिस्ट करता है और वो एक नई प्रोपोजिशन नए एक प्रिंसिपल को नया एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो अगर इवाल्व होता है उसके केस से तो इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी होते हैं और इस तरह के केसेस जो ज़्यादा जिन लॉयर्स के होते हैं उनको फिर वो एलिवेट किया जाता है एज अ जस्टिस अच्छा वे यू थिंक कि आप ऑबियसली बींग हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और आप फैकल्टी में भी रहे हैं इससे पहले तो अपने लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जो लॉ के लाइक लॉयर्स जितने भी हैं उनसे किस तरह डिफरेंट उनको टीचिंग्स दे के मार्केट में आप भेज भेज सकते हैं ये हमारे उसमें वी आर क्वाइट कॉन्शियस के जो हमारे लॉयर्स हैं हमारे ऑबजेक्टि में भी ये बात है कि वो एक कॉन्शियस लॉयर हों एक कॉन्शियस सिटीजन भी हों और आ, प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हों हमने प्रॉपर इसका एक कोर्स भी थ्री थ्री करेटार्स का जो है वो हम लास्ट टर्म में इनको पढ़ाते हैं और प्लस हम इनकी ट्रेनिंग्स भी इसके हवाले से करते रहते हैं मूड्स जब होते हैं तो इनका बुनियादी परपज़ यही होता है कि इनको जो डेक्रम है कोर्ट का वो पता चले जो अपने क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करना है जजेस के सामने मतलब ये एक हमारी एथिक्स है कि जज अगर हमारा केस जो है ना वो अगर दीवार में भी, भी मारता है तो वी से थैंक यू तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं इनको इनकोसाइज़ नहीं करेंगे इनके ऊपर और हम इनको सिखाएंगे नहीं तो ये कोर्ट्स में जाके जाकर जैसर अभी थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट्स देखते होंगे आप टीवी पे तो लायर्स जो है वो झगड़ालू हैं और लायर्स जो है वो जजेस के साथ भी जो है वो स्टूडेंट्स तो को यही सिखाते हैं

प्रैक्टिकली uh, इसको कंटिन्यू करते हैं एज ए प्रोफेशन जी हम इसकी फीडबैक लेते हैं सर्वेस भी हमने करवाए हैं तो अभी तक जो हमारे फोर बैचेस निकले हैं तो उनकी इस वाले से बहुत अच्छी रिप्यूट है मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के वाले से भी कम्युनिकेशन स्किल्स के वाले से भी एंड दे आर रियली कम्पीटिंग दी अदर इंस्टीट्यूशन और दे आर डूइंग वेरी वेल मसला हमारे जो लॉ uh, की टॉप लॉ फॉर्म्स हैं अखलाल रिया वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उनको सर्व कर रहे हैं इसके अलावा जो uh, इससे लिटिगेशन से हट के जो इंस्टीट्यूशन हैं Uh, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस आईसीआरसी जो एक ह्यूमैनिटेरियन uh, वर्क काम करती है ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने मतलब एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे सहर मसूद वहाँ पे है वो उनको बहुत uh, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है uh, हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स है पाकिस्तान में वहाँ पे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनको उनको वो सर्व कर रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री में सर्व कर रहे हैं तो आई एम माइंडफुल जो मैं चूंकि डिपार्टमेंट में शुरू से था और अभी भी हूँ एक, एक इस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हूँ तो आई एम क्वाइट माइंडफुल कि ये मैं ख़ुद भी इसको जो बात आपने कही मैं बहुत अच्छी तरह इसको आई एम वेरी सेंसिटाइज्ड अबाउट इट के लॉयर जो है ना वो मैं जब ओरिएंटेशन स्पीच देता हूँ अपने स्टूडेंट को तो मैं उनको ए, मेरी फ़र्स्ट स्लाइड जब वो डिस्प्ले होती है तो उसमें इकबाल और जिना की पिक्चर वो देखते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको मैं ये वैसे नहीं लाया ये पिक्चर अ दर्पज़ बिहाइंड इट के आई नीड नाट टू डेल यू दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन तो मैं उनको ही वो कहता हूँ कि रोल मॉडल के, के तौर पर लें और जो प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स है उसमें हम बताते हैं कि इकबाल की लीगल एथिक्स को भी आप समझें हमारे पोइट हैं नेशनल हीरो हैं तो इकबाल एक, एक केस में उन्हें जो है कश्मीर में किसी पॉइंट में उनको हायर किया गया वहाँ के किसी लॉयर को और जज को जो है वो असिस्ट करने के लिए तो उस ज़माने में उनका जो है ना पर डे जो अलाउंस था वो वन थाउजेंड डिसाइड हुआ था प्लस उनकी जो आ, कोर्ट क्लर्क उनका जो आ, क्लर्क होता है जो मुंशी होता है उसका जो है वो हंड्रेड रुपीज़ पर डे था तो इकबाल गए वहाँ पे उस केस को पढ़ा और उसको उन्होंने दो तीन घंटे में उसकी जो है कुछ ट्रांसलेशन करनी थी पर्शियन से वो करके तो उन्होंने उसके हवाले किया और कहा जी कि ये काम हो गया है तो जिस लॉयर ने उनकी असिस्टेंस के लिए कोर्ट को अपील की थी कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कहा कि इकबाल साहब आप कश्मीर आएँ आप घूमें फिरें इस काम में कम अज़ कम दो महीने लग सकते हैं तो वट इकबाल सैड मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इकबाल ने कहा कि जो काम आप आ, एक घंटे में कर सकते हैं उसको अगर आपने एक घंटे से ज़्यादा लिंगर ऑन किया अभी ये बहुत बड़ा इशू है हमारे आ, प्रोफेशन में कि केसेस की जो लिंगरिंग है इतना ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें ले लेते हैं कि क्लाइंट का जो है वो आ, वो काम उसका थोड़ा होता है और उसका ख़र्चा जो है वो केस के ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो ये इकबाल का जो वर्ड्स जो मैं कोट करना चाहता हूँ कि उसने कहा कि जो अगर आप उससे एक मिनट भी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आप हराम ले रहे हैं और उनको लायर को उन्होंने बताया था कि मेरे प्रॉफिट ने वो हिंदू लायर थे तो उन्हें बताया था कि मेरे नबी ने मुझे मना किया है कि मैं जो है ना हराम खाऊँ और जो मैं समझता हूँ कि एक काम घंटे में हो गया है तो उससे ऊपर टाइम लगाना मेरे लिए हराम है तो तो ये बात इट्स इट्स अ बिग लेसन हमारे is, को और राइटली तो, uh, uh, अच्छा अब आप वाइंडिंग इट अप अगर कोई जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी लॉ को आगे परस्यू करना चाहते हैं होरियर और एज ए स्टडी तो वो डू यू प्रेफर उनको आप कोई मैसेज देना चाहें उनको कोई uh, पैगाम देना चाहें तो वह आप दे सकते uh, ना मैं ज़रूर uh, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए ये बताऊँगा कि लीगल स्टडीज का एक क्रिज्मा है लीगल स्टडीज़ का एक इम्पैक्ट है और लीगल प्रोफेशन में भी एक इम्पेक्ट है फॉर एग्जांपल अभी दुनिया में टॉप आप फेमस सेलिब्रिटीज़ uh, को अगर आप निकालें तो आप यू विल फाइंड आउट कि लॉयर्स पाकिस्तान में अगर आप देख लें जिना इकबाल भुट्टो ये सब लॉयर्स थे अब बारक ओबामा जो है हार्वर्ड लॉ स्कूल के जो है वो ग्रेजुएट है क्लिंटन को आप टोनी ब्लेयर ये सब फेमस लॉयर्स हैं तो uh, लॉयर जो है जिस जो अगर इसने बाई चॉइस लॉ पढ़ा है और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से उसने लॉ पढ़ा है और उसके बाद वो प्रोफेशनल एथिक्स के साथ उसने अगर एक काम किया है तो वो हो नहीं सकता कि वो सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट ना करे इससे बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकती मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा इफ यू देखें ऐसे लायर्स इकबाल और जिना की बात करें तो दे, दे चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड तो इससे ज़्यादा क्या आपको एक डिस्टिंगशन और आपको एक मतलब आपका जो इम्पेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं तो लीगल स्टडीज़ में बहुत पोटेंशल है बहुत स्पार्क है और ये रियली ह्यूमन को डेवलप करते हैं और right. दूसरी तरफ अगर आप देखें इसकी अगर आप ये नहीं पढ़ रहे तो एज मैंने पहले भी कहा कि इग्नोरेंस जो है वो लॉ की तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं आप पढ़े ना पढ़े जाने ना जाने जो लीगल सिस्टम है वो एज्यूम करता है कि यू नो इट right. और इसीलिए आपको ठहराता so है सो मच फॉर कमिंग इट ग्रेट हैविंग यू ऑन सेट एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स थे उन्होंने बहुत लाइक इट वॉज हेल्पफुल एज़ इंफॉर्मेशन के उन्हें क्या पर्यू करते हुए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को सोचना चाहिए हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सो लेट्स से गुड बाई टू और व्यूअर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दाओ में याद रखेगा अलाफे